हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। वो दिखा रहे हैं कि वो आपसे नाराज़ होकर गए हैं। वो आपसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं जबकि आप ही उनकी खुशी हो? कोई अपनी खुशी से नाराज़ कैसे हो सकता है? और अगर हो भी गए तो फिर कितने दिन तक नाराज़ रह पाएंगे? वो आपको ना भूल पाए हैं और ना बिना आपके ज़्यादा रह पाएंगे। वो दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास, वो भी बहुत ही डिप्रेस्ड हालत में, क्योंकि रूठ कर जाने से उनका दिल आपका नाम लेना नहीं छोड़ सकता। उनको खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं थी कि वो इस कदर आपको मिस करेंगे। वो बीमार दिख रहे हैं, उन्हें फीवर आ गई है आपके बिना। उन्हें बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है, जैसे जैसे वो आपको मिस कर कर के बेचैन हो रहे हैं, उतने ही वो और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उन्हें आप किसी भी कीमत पे चाहिए वापस। वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, खुद सब कुछ ठीक करेंगे जो खराब हुआ है। वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब उनसे बात करोगे, कब आप उनसे कांटेक्ट करोगे। वो खुद भले ही आपके लिए कुछ करे या ना करे, पर वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और यही वजह होती है आप दोनों के बीच के कलेश की। पर इन पे दया भी आती है, क्योंकि प्यार तो करते हैं और एक्सपेक्ट भी वो प्यार ही कर रहे हैं आपसे। तो अगर आप उन्हें प्यार नहीं दोगे तो नहीं बुरा लगेगा, और दोगे तो भी वो कुछ नया ब्लेम दे देंगे आपको। ये थोड़े आपको लेकर ना ऑब्सेस्ड है। ये देखिए आपको ना जीतने किसी हालत में नहीं देते। इनको ये है कि आपकी कई महीने पुरानी बात को भी अपने प्रेजेंट फाइट में ले आते हैं, ताकि आपको कन्वर्सेशन में डोमिनेट कर सकें। पर ये नेचर है इनका, दिल से ये आपके लिए बुरे नहीं, क्योंकि ये सब करके इन्हें एंड में गिल्ट ही होता है, चाहे ये आपको दिखाएं या नहीं, क्योंकि ये आपके साथ गलत नहीं कर सकते। ये इंसान कंपटीशन कर सकते हैं आपके साथ, पर आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। ये पर्सन आपसे खफा नहीं, आपसे बोर नहीं हुए हैं। इनकी लाइफ में बहुत फिनेंशली चीज़ें चल रही हैं। इनको अपने आप को फिनेंशली चीज़ें स्टेबल करनी है, वरना वो आपके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे। उन्हें आपको खोना नहीं है, यही बात से वो डरते हैं। वो आपके बिना कुछ नहीं रहेंगे, पागल से हो जाएंगे। इसीलिए इन सारी चीज़ों की फिक्र करते हुए वो आपको भी अपना पूरा प्यार नहीं दे पा रहे हैं, पर उनके दिल का हर एक हिस्सा आपको प्यार करता है।
सब कुछ देखकर अब फिर से आपकी ओर उनका झुकाव हो रहा है। वो आपको देखने लगे हैं, फिर से आपको स्टॉक करने लग गए हैं। वो सोचते हैं आपके बारे में आजकल। वो थोड़े दिन और वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो रह ही नहीं पाएंगे। उनके दिमाग का अटेंशन फिर से आप पे आने लग गया है और अब वो इस अटेंशन को हटा नहीं पाएंगे और सिर्फ आप पे ही फोकस करेंगे। उन्हें आपसे फिर से प्यार होने लग रहा है। जिस तरीके से आपने उन्हें समझाया है, उन्हें चीज़ें समझ आ रही है। उनका एक मन आपको प्यार कर रहा है। वो आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। जो जो बातें आपने उनसे कही है, उन सब से उनके दिल में एक गहरा सा ब्लैंकनेस आ गया है। वो सारी बातें जो हुई थी भूल गए हैं और वो सिर्फ ये याद कर रहे हैं कि आपने उनसे इतने अच्छे से बात की है। वो आपसे चीज़ छुपाते हैं, इसीलिए आपको बहुत परेशानी होती है। पर वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। कुछ बातें हैं उनकी पर्सनल लाइफ में जो वो आपको बता नहीं सकते, इसीलिए वो अजीब से बिहेव करते हैं। पर सही वक्त आने पर वो आपको सब बता देंगे, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं और उन्हें एहसास है कि आप ही उनको कितना प्यार करते हो और किस हद तक जा सकते हो आप उनके लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश।